नमस्कार दोस्तों, मैं स्वयं गुसाई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कैरियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आफ्टर 12th। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आप अपना कैरियर आफ्टर 12th के बाद बनाना चाहते हो तो इस फील्ड में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है या कौन कौन सी जॉब अवेलेबिलिटी है जिनके जरिए आप अपना कैरियर इस फील्ड में बना सकते हो। तो जानते हैं आज के वीडियो में कैरियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आफ्टर 12th। करियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियोस में हम जानेंगे करियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th के बाद इस फील्ड में ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के बदौलत हम अपना कैरियर 10th और 12th के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। तो जानते हैं आज की वीडियोस में ऐसे ही कोर्सेज के बारे में जिनके बिहाफ में आप 10th या 12th के बाद इन कोर्सेज को करके आप अपना करियर इस इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे से बना सकते। व्हाई हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 10th या 12th के बाद व्हाई हेल्थ केयर मैनेजमेंट ही क्यों या हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही क्यों। जी हाँ दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में या हेल्थ केयर में आज के टाइमिंग में बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो इजीली 10th और 12th के बाद किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं। आप 10th या 12th के बाद अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कोई टेक्नीशियंस का कोर्स करके इस फील्ड में इंटर करते हो तो आप अपने करियर को हेल्थ केयर में काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हो। तो इस लिहाज से हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतर करियर ऑप्शन है आफ्टर 10th या 12th के बाद, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तेज़ी से हमारी को बीमारियां भी लग रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बीमारियों की बढ़ोतरी की वजह से आज के टाइमिंग में हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं और इनको ऐसे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है जो कि इनके साथ काम करके इनकी हेल्प को कर सके और पेशेंट्स को मदद पहुंचा सके। तो दोस्तों, इसीलिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बहुत ही बेहतर कैरियर ऑप्शन है आज के टाइमिंग में, जो कि हम इजीली 10th और 12th के बाद कोई भी टेक्नीशियंस का कोर्स करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी बदौलत हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, करियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मैं आपको पहले 10th के बाद के कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा, जिनको कि आप 10th कंप्लीट करने के बाद ही अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में या हेल्थ केयर में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो कोर्स है दोस्तों, 10th के बाद आप जिस कोर्स को ले सकते हैं वो है डेंटल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, डेंटल असिस्टेंट सिर्फ 6 मंथ का कोर्स है और आप इसे 10th के बाद कर सकते हैं। सेकंड में जो कोर्स है दोस्तों वो है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सिर्फ 3 मंथ का कोर्स है और 3 महीने के कोर्स को लेके आप किसी भी नर्सिंग होम या किसी भी हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो कोर्स है दोस्तों वो है होम हेल्थ एड्स। जी हाँ दोस्तों, होम हेल्थ या होम हेल्थ केयर, जैसे कि आजकल बहुत से ओल्ड एज पर्सन, जो ओल्ड ओवर एज पर्सन होते हैं, उनकी टेक केयरिंग के लिए घरों में ही एक ऐसे होम हेल्थ केयर जो है असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनकी टेक केयर कर सके। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं जो कि मात्र 3 मंथ का है और आप 3 मंथ के बाद किसी भी हॉस्पिटल से जुड़ के आप इसमें जॉब पा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों ऐसे कोर्सेज जो आप 10th के बाद कर सकते हैं आगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं करियर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 12th के बाद किए जाने वाले कोर्सेज को। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद आप ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप
ट्वेल्थ के बाद ले सकते हैं और इन कोर्सेज की बदौलत आप हेल्थ केयर में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो नंबर वन पे जो कोर्स है दोस्तों वो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो कि 6 मंथ का कोर्स है और आप इस कोर्स को ट्वेल्थ के बाद ले सकते हैं। नंबर टू पे जो कोर्स है दोस्तों वो है एक्सरे टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियंस का कोर्स भी सिर्फ 6 मंथ का है और 6 मंथ की ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल्स में एज ए एक्सरे टेक्नीशियंस के रूप में काम कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे जो कोर्स है दोस्तों वो है रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस का जो कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स है और आप इस कोर्स की बदौलत आप आगे अपना कैरियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस के रूप में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। नंबर फोर पे जो कोर्स आपके लिए रखा है दोस्तों मैंने, वो है डायलिसिस टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, डायलिसिस टेक्नीशियंस की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल, ये डिजीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और डायलिसिस टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये कोर्स सिर्फ 1 ईयर का कोर्स है और आप इस कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ पे जो कोर्स आपके लिए रखा है दोस्तों वो है पैथोलॉजी टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, पैथोलॉजी टेक्नीशियंस के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हो और ये सिर्फ 6 मंथ का कोर्स है जिसकी कि 6 मंथ की ट्रेनिंग लेने के बाद आप पैथोलॉजी टेक्नीशियंस के रूप में आगे बढ़ सकते हो। नंबर सिक्स पे जो कोर्स रखा है दोस्तों वह है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे कि आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के रूप में आगे बढ़ सकते हो और आप अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हो। कोर्स 1 ईयर का है और 1 ईयर की ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल्स या किसी भी लेबोरेटरी में एज ए मेडिकल टेक्नीशियंस के रूप में काम कर सकते हो। नंबर 7th पे जो कोर्स रखा है दोस्तों वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी 1 ईयर की है और ये 1 ईयर का कोर्स है और 1 ईयर की कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद आप एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के रूप में किसी भी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ सकते हो और अपना कैरियर इस फील्ड में बना सकते हो। ऐसे और भी बहुत से कोर्सेज हैं दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, जिन कोर्सेज के बदौलत आप अपने करियर को हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी दोस्तों आपके लिए जो कि आप 10th या 12th के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है और बहुत ही जॉब ऑप्शंस इस इंडस्ट्रीज़ में आफ्टर 10th और 12th के बाद आप लोगों के लिए हैं। तो आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक इस फील्ड में आ सकते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज को ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना करियर हेल्थ केयर में बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए हेल्थ केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई हो दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोज़ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।